हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं अपनी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज को। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा गाइस, हमने जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें बना लिया था एक फुल्ली डायमंड आर्मर, और उसके बाद बनाया था हम लोगों ने एक ब्रिंग स्टैंड जिसके अंदर हमने बनाया था एक लावा का पोशन, जो कि हमें नेदर एंशिएंट डेब्रीज ढूंढने के लिए हेल्प कर सकता है। अरे बंद हो जा, एंशिएंट डेब्री ढूंढने के लिए हेल्प कर सकता है। ये रहा हमारा फुल्ली डायमंड आर्मर। और जैसा कि तुम लोगों को पता है भाई, नेदराइट स्क्रैप्स हमें बहुत सारे चाहिए होते हैं ताकि हम एक नेदराइट इंगट बना सकें। मीन्स 4 नेदराइट स्क्रैप चाहिए होते हैं, प्लस 4 गोल्ड के इंगट भी चाहिए होते हैं भाई, उसके बाद जाके बनता है। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे पास गोल्ड की कमी नहीं है। यहाँ चेस्ट में देख सकते हो तो भाई गोल्ड के ब्लॉक भी पड़े हैं, गोल्ड के इंगट भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ देखो, एक इंगट बनाने के लिए जैसे कि मैंने बताया 4 नेदराइट चाहिए होंगे, मतलब एंशिएंट डेब्री स्क्रैप चाहिए होंगे, और फिर उसके बाद 4 गोल्ड चाहिए होंगे, तब एक नेदराइट स्क्रैप बनेगा। इसका मतलब हमें 36 स्क्रैप चाहिए होंगे और 36 गोल्डन इंगट चाहिए होंगे, जिसके बाद हम 9 इंगट बना सकेंगे। 9 इंगट के बाद हम लोग फिर ये 4 आर्मर के अंदर यूज़ कर पाएंगे। और फिर हमारे पास टूल भी है, इसमें स्वॉर्ड आती है, एक्स है, पिकैक्स है, शॉवल है, और उसके बाद हमारी प्यारी हो भी इधर है, तो इन्हें भी करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें भाई टोटल 9 चाहिए होंगी। तो 9 नेदराइट इंगट हमें कलेक्ट करना है। अब 9 नेदराइट इंगट कलेक्ट करना भाई कोई छोटी बात नहीं है। मीन्स हमें 36 स्क्रैप कलेक्ट करना है और 36 एंशिएंट डेब्री कलेक्ट करना है बेसिकली। और वो चीज़ कलेक्ट करने के लिए हमें जाना होगा नेदर में, लावा के बीचों बीच माइनिंग करनी होगी भाई अंडरग्राउंड में। -15 आई गेस सबसे बेस्ट लेवल होता है जहाँ पे एंशिएंट डेब्री मिल सकती है, और मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी कर ली है जाने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे मेरे पास है बहुत सारी TNT, जो कि मैंने भाई जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पास है काफ़ी सारी सैंड वगैरह थी जो हमने पिछली वीडियो में लेके आए थे, तो उसमें से बची हुई सैंड मैंने यूज़ कर ली, और वो XP फार्म के अंदर से गन पाउडर लेके आया और उससे बना ली कुछ TNT। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पहले से ही लावा पोशन बना रखे हैं, और गोल्डन कैरेट बना लिए हैं, टॉर्चेस बना लिए हैं, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक बना लिया है ताकि जहाँ जहाँ से लावा आएगा उसे ब्लॉक कर सकूँ, और थोड़ा सा फूड ले लिया है, मतलब थोड़ा सा खाने पीने का जुगाड़ होना चाहिए ना भाई, खाने पीने का भी तो जुगाड़ होना चाहिए, सिर्फ गोल्डन कैरेट्स काम नहीं चलता। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। और फिर उसके बाद इस वाले बॉक्स के अंदर है बहुत ही बड़ा खजाना भाई। अब जैसे कि तुम लोग को पता है भाई, हमें नेदराइट का जो आर्मर है अगर उसे बनाना है, तो नेदराइट के आर्मर को बनाने के साथ हमें उसमें ट्रिम्स भी लगानी होगी, और हमारे पास ऑलरेडी कुछ ट्रिम्स हैं जैसे कि मैंने दिखाया था यहाँ पर। मैं इस वाले ट्रिम को यूज़ करने वाला हूँ। अब ये जो है मेरे को ट्रिम मिला था उसमें, क्या कहते हैं उसको, फोर्ट्रेस में। हाँ, तो ये नेदराइट्स का जो ट्रिम है मेरे को फोर्ट्रेस में मिला था, मतलब बेसिकली आर्मर ट्रिम फोर्ट्रेस में मिला था, और इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो मुझे पता नहीं कैसा डिज़ाइन बनने वाला है, बट हाँ मेरे को ये चीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि भाई मेरे को अपना आर्मर बेसिकली बहुत ही मतलब अच्छा दिखने वाला तो बनाना ही है यार। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं और पहली बार बनाने वाले हैं, तो थोड़ी सी तैयारी मैंने पहले से कर ली। और इसके अंदर जो खजाना है वो मैं आप लोगों को नेदराइट ढूंढने के बाद ही दिखाना चाहूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे ख्याल से हम लोग को शुरू करना चाहिए। तो आई गेस तो मैं ये सारा सामान रख देता हूँ यहाँ पे। वाटर बकेट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बोज एंड एरोज ले लेते हैं, शील्ड की भी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ले लेते हैं। और यहाँ से इस चेस्ट को तोड़ लेते हैं ताकि सारा का सारा सामान हम ले लें। इसके अंदर कुछ बचा, थोड़े से पॉक चॉक बचे हैं, ये भी ले लेते हैं, और बचा हुआ चेस्ट जो है हम वापस से डाल देते हैं इसमें। यानी एक काम करते हैं, चेस्ट को लेकर चलते हैं यार, चेस्ट को लेकर चलते हैं। मेरे पास सीरियसली इसे रखने की जगह नहीं है। ओह गॉड, रुको मैं इसे फेंक देता हूँ, और इसको वापस है ना फूड वाले में रख देता हूँ। ओके, और ये उठा लेते हैं फटाफट से। चलो भाई नेदर के अंदर। ओके, ओ शिट, मैं एक चीज भूल गया भाई, मैं अपना आर्मर पहन के नहीं आया भाई साहब। इसे फेंको जरा 2 मिनट के लिए, इसको भी और इसको भी, और इसको ज़रा ऊपर रख लेता हूँ मैं पहले। मेरे को ये चीज़ निकालनी है, पहन लो ये चीज़ निकाल, ये पहन लो, ये चीज़ निकाल, पहन लो। ओके, अब वापस से मैं इसको नीचे रख लेता हूँ, एक्स को इधर रख लेता हूँ, शॉवल को इधर रख लेता हूँ, इसको इधर उठा लेता हूँ। चलो अब दिक्कत नहीं है भाई, अब चलो फटाफट से नेदर आइटा मतलब नेदर में। ये आ चुके हैं गाइज हम लोग हमारे नेदर वर्ल्ड में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और भाई -15 पे जाना है हम लोग को, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसे ओपन में रख लेता हूँ, और इसे उठा लेते हैं, और इसको अपने ऊपर फेंक लेता हूँ सबसे पहले।
अब यहाँ से हम लोग माइनिंग शुरू कर सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ पहले कौन सी जगह बेटर होगी। वहाँ पे तो लावा पूल आ रहा है बीच में, और इधर भी मेरे ख्याल से लावा पूल आता है। यहाँ पर ये देखो लावा है बहुत सारा। तो आई गेस मुझे थोड़ा इधर के साइड में ना माइन करना बेटर लग रहा है, क्योंकि मैंने इधर शायद लावा नहीं ले। ओह गॉड, मुझे नहीं पता यार ये कितना ज़्यादा गहरा हो सकता है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, हम एक काम करते हैं ना गाइस, देखो हम नहीं, खैर मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ से नीचे माइन करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से माइन करना उतना ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमें माइनस 15 पे जाना है, ठीक है, वाई लेवल 15। हाँ, वाई लेवल 15 पे जाना है हम लोग को। तो अभी हम लोग कितने पे, एक सेकंड में को चेक कर लें दो। ओके, हम 53 पे हैं यार, तो इतना तो गहरा लावा होगा नहीं। ठीक है, हम यहाँ से भी माइनिंग कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, हाँ इधर इसके नीचे से माइनिंग करता हूँ। यहाँ से जो हमें जाना है -15 तक, तो यहाँ पे मैं इसे खोल लेता हूँ और धीरे धीरे माइन करके चलते हैं आराम आराम से, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ से गिर रहे तो बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ जाएगा अगर जल्दी जल्दी में मैंने खोद दिया तो। ओह शिट 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 शिट, ये चीज़ दिक्कत दे सकती है गाइस। देखा, इसलिए मैं तैयार था थोड़ा सा। ओके, हमें जाना है 15 पे, -15 पे। ओके, 15 पे जाना होता है, मुझे लगा -15 पे जाना होता है। तो ऊपर चलो थोड़ा सा। ओके, 13, 14 एंड 15। ओके, तो हम आ चुके हैं 15 पे। पहले तो मैं इसे बंद कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया खाली कर देता हूँ मैं, थोड़ी सी स्ट्रेट डिक कर लेता हूँ, इधर भी थोड़ा सा पीछे डिक डाउन कर लेता हूँ, इधर का थोड़ा सा एरिया मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, और हम लोग यहाँ से आए थे, ठीक है इतना काफ़ी है। यहाँ पे मैं फटाफट से चेस्ट निकाल लेता हूँ, इससे फेंको बाहर, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। ये रखा चेस्ट मैंने, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान जो है मेरा वो रख देता हूँ यहाँ फेंको इसे। मुझे चाहिए होगा TNT वगैरह चाहिए, शॉवल की भी मेरे को ज़रूरत नहीं है, पिकेक्स की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, एक्स की मेरे को ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मेरे पास, और थोड़े से टॉर्चेस ले लेता हूँ, ठीक है, और टॉर्चेस को यहाँ लगा देता हूँ, 1, 2, 3, ठीक है। और जहाँ से मैं ऊपर आया था, मतलब जहाँ से नीचे आया था बेसिकली, वहाँ पर भी लगा देता हूँ। मेरे को फायर पोशन की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत फायर पोशन लेके चलते हैं, टॉर्चेस वगैरह बाकी के रख देते हैं, और TNT वगैरह मैं सारे नहीं रखूँगा अभी, मैं फ़िलहाल 1-1.5 स्टैक ही रखूँगा। थोड़ा सा खाना ले लेते हैं, बाकी बचे हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम यहाँ पर रख देते हैं, गोल्डन कैरेट्स को यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ से हम लोग माइनिंग शुरू कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा, देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि TNT हम लोग ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं फटाफट से जितना हो सकता है उतना लंबा टनल खोद देता हूँ। अरे यार, ओके, मेरे को ये चीज़ ना ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि नेदरराइट बहुत जल्दी, मतलब नेदर एक्स बहुत जल्दी टूट जाती है, इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और प्लस मेरे को अपनी पिकेक्स की HP भी बचानी है भाई, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा खोद देता हूँ, पहले अच्छी खासी जगह तक, मतलब अच्छी खासी दूरी तक खोद देता हूँ। ओके, आगे लावा पूल है, रुको, रुक जा। अरे क्या हो रहा है ये, देखो यही सब के चक्कर में मैंने ये चीज़ की थी। ओके, देखो यहाँ तक है, अब मैं बस यहाँ के लिए ना थोड़ा सा TNT रख देता हूँ, इसे एक यहाँ रखूँगा, फिर एक 3 ब्लॉक की दूरी पे, ऐसे ही करते करते कुछ ब्लॉक की दूरी पे TNT रखता जाऊँगा। ओके, ओ यहाँ नहीं रखना भाई, यहाँ नहीं रखना, तोड़ो इसे भी। ओके, अब मेरे पास बो है, सिंपली मेरे को बो से ऐसे करके मारना है और TNT फटेगा, और बस उसके बाद फिर भाई साहब आई होप कि जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट ना हो इधर। कि यहाँ कुछ मिला, शिट कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, एक एंशिएंट डेब्रीज नहीं दिख रही भाई वहाँ, बस वहाँ से लावा आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मेरे को उसे लावा को बंद करना होगा पहले। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से, ओह थोड़ा सा और ऊपर। ओके, अरे यार क्या हो रहा है ये, शिट, उठ जाना, इसीलिए मैं फायर पोशन बना के लाया था। बंद हुआ, ओके, देखो वो देखो भाई, एक मेरे को दिख चुका है, ठीक है, एक मेरे को एंशिएंट डेब्री दिख चुका है, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ चल के। और ये है मेरा सबसे पहला माइन किया हुआ एंशिएंट डेब्री, ठीक है,
ये रहा देखो गाइस, यहाँ पे एक एंशिएंट डेब्री, वाओ। ये जलता तो है नहीं खैर, बट थोड़ा सा लावा अगर मैं ब्लॉक कर पाता ना तो वो कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इस लावा को भी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से आ रहा है ये, ओके, और थोड़ा बहुत यहाँ से भी आ रहा है, इसे बंद कर देते हैं, ओके, इधर से भी थोड़ा बंद कर देते हैं। चलो, मैंने थोड़ा बहुत बंद कर दिया, आगे लावा का पूल है, तो लावा पूल है तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। टेंटी ऊपर रख देते हैं, फायर रेजिस्टेंस है अभी तक मेरे पास 2 मिनट तक के लिए, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस पे चलते हैं सीधा, इसको करते हैं माइन, ये ले लिया हमने। अब यहाँ लावा से निकलो फटाफट से, इस डायरेक्शन में माइन करना बेकार है क्योंकि इधर आगे लावा पूल है। चलो इससे पहले मैं ढक देता हूँ, ओके। चलो गाइस दोबारा से माइनिंग शुरू करते हैं फटाफट, जितनी स्पीड में हो सकता है। याद रहे मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, और लावा भी मतलब फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन जाने वाला है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। तो इसे फटाफट से वापस रख देते हैं और से आगे तक सेम प्रोसीजर। अब क्या यार, कितने घंटे बन जाते हैं। एक तो ये नेदर है, कितनी जल्दी टूट जाता है ना। ओके, आगे आ गया लावा पूल, बंद हो जा। अरे बंद नहीं हुआ क्या? ओ शिट 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 शिट, अरे ओह थैंक गॉड, लावा कितने नज़दीक आता जा रहा है। लगाओ यहाँ पे ब्लॉक, एक तोड़ो बस, आगे लगाओ ब्लॉक, एक और लगाओ उसी के ऊपर, लग जा बस, थैंक गॉड। बहुत गलत टाइम पे हुआ यार ये सब, वो तो अच्छा हुआ मैं फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन एक्स्ट्रा लेके घूम रहा था, 6 मिनट का मिला, थोड़ा सा वेस्ट हो गया मेरा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं वापस से TNT। फटाफट, ओके, अरे बड़ी जल्दी खत्म हो गया यार ये। चलो कोई बात नहीं, ओके, इस वाले को मैं तोड़ लेता हूँ और इस वाले को भी, बस यहाँ से मुझे एरो मारनी है पीछे वाले पे, बस बस TNT इधर ना आए, जो TNT फटना है उधर ही फटे, ये मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, वहाँ पे से थोड़ा रह गया, ओके, जब तक वो फट रहा है तब तक थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे को एक भी नेदराइट का स्क्रैप नहीं, मतलब नेदराइट नहीं दिखा, एंशिएंट डेब्रीज से कैसे काम चलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसे मैं कर देता हूँ बंद उससे पहले, और इस वाले को भी मैं कर देता हूँ बंद। यार ये इधर से बंद भी नहीं होगा, चलो ये बंद हो गया, फिर से थोड़ा आगे चल के देखता हूँ मैं। ओके यहाँ पे, अरे यहाँ पे हैं दो, ओ भाई साहब ये सीरियसली दो एक साथ होना थोड़े रेयर होते हैं, बट मिल गया मुझे, रुको। ओके यहाँ पे एक, इस तोड़ लेते हैं फटाफट से पहला, और यहाँ पर एक, और तीन, ओ माय गॉड लक भाई। चलो भाई तीन यहाँ मिल गए, दो घर पे हैं मेरे पास, दो या तीन आई थिंक घर पे, याद नहीं है मेरे को अच्छे से। चलो इसे कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। Three days later. Okay, आ गया मैं जस्ट के पास भाई साहब, 37 ऑलरेडी हो चुकी है, 9 और मिल गए, 46 हो चुके हैं गाइस। तो फाइनली हमारे पास 46 एंशिएंट डेब्रीज हो चुकी है, मतलब हम बहुत सारे इंगट बना सकते हैं। फटाफट से यहाँ से एंशिएंट डेब्रीज उठाते हैं, यहाँ पर मैंने स्टेयर्स लगा दी थी, वो घर पे गया था कुछ सामान वगैरह लाने, टॉर्चेस की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ से टॉर्चेस ले लेते हैं, स्टेयर्स ले लेते हैं, बोट ले लेता हूँ मैं, ग्रेवल ले लेते हैं यहाँ से, और क्वार्ट्ज ले लेते हैं, बाकी इन सब की तो अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो ये सब ले जाना बेकार है।
चलो गाइस फटाफट से चलते हैं घर पे और बनाते हैं अपना पूरा फुल्ली एन्चांटेड आर्मर। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे वर्ल्ड में, दोबारा से ओवर वर्ल्ड में मतलब। और सबसे पहले तो मैं सारा का सारा नेदरैक यहाँ पे रख देता हूँ जो एक्स्ट्रा में लेके आया था, और ग्रेवल भी यहीं पे रख देते हैं, बची हुई टॉर्चेज मैं इसमें डाल देता हूँ, और बचे हुए ये स्टेयर्स भी इसी में डाल देता हूँ, और फ्लिंट मैं डाल देता हूँ अपने इसमें। यहाँ से ये उठा लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वार्ट्ज़ को हम यहीं पे रख देते हैं, बाकी इंगट को हम नगेट्स को हमें इंगट बनाना है तो फटाफट से यहाँ पे जो नगेट्स हैं उन्हें इंगट बना देते हैं कुछ इस तरह। चलो चार इंगट बच गए यार, वेस्ट हो जाएंगे ये, मैं इन्हें फेंक ही देता हूँ, मेरे को इंगट रखना पसंद नहीं है फालतू में। इन्वेंट्री में स्पेस लेते हैं, यहीं फेंक देते हैं इन्हें। चलो भाई हो गया अपना काम, अब चलते हैं अंदर फटाफट से इसे करते हैं बंद, और यहाँ पे स्मेल्टिंग के लिए डाल देते हैं नेदराइट को इसमें। हमारे पास एक बकेट लावा अंदर शायद पड़ी हुई थी, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ लावा। ओके ये रही लावा, अब बस हमें वेट करना है कि ये फटाफट से स्मेल्ट हो जाए। चलो भाई यहाँ से 13 और स्क्रैप मिल चुके हैं मेरे को, इन्हें फटाफट से यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं गोल्ड। हो गई हमारे पास टोटल 9 इंगट्स, अब फटाफट से भाई साहब अपग्रेड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपग्रेड करेंगे हमारे टूल को, तो यहाँ पे रखूँगा मैं पहले स्वॉर्ड को अपग्रेड करेंगे। स्वॉर्ड की है 7 अटैक और अटैक स्पीड है 1.6 की, मैं इसको रखूँगा यहाँ पर। यहाँ पर रखना है अपग्रेड टूल और यहाँ पर रखना है नेदराइट। भाई साहब 8 का अटैक हो जाएगा भाई, 7 से 8 का अटैक, ओह माय गॉड मज़ेदार भाई। ये चीज़ यही तो चीज़ें करनी थी भाई। इसका हो गया एक मिनट, इसका कितना है 5 है, इसका हो गया 6, ठीक है। ये हमें भाई साहब मिल गया, फाइनली हमें मिल गया नेदरराइट के पूरे टूल्स के एडवांसमेंट। अब हम बना लेते हैं फटाफट से अपने चेस्ट प्लेट वगैरह को, तो यहाँ पे इसे रख देते हैं और ये फुल्ली आर्मर यहाँ पे निकाल लेते हैं सारा का सारा। इसे भी निकालो और इसे भी निकालो, यहाँ पे रख लेते हैं इसको बढ़िया से सजा कर, और एमेथिस्ट शार्ड निकाल लेते हैं। हमें आई थिंक सो पहले नेदरराइट को वो कर नेदरराइट में अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर हम उसके अंदर ये सब लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, सबसे पहले मैं लगाऊंगा हेलमेट यहाँ पर, यहाँ पे लगाऊंगा अपग्रेड और यहाँ पे लगाऊंगा एक ये, इससे बन जाएगा हमारा नेदरराइट का हेलमेट तैयार है भाई। इसकी प्रोटेक्शन कितनी है, 3 आर्मर है, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, इसमें 3-3 प्लस एक नॉकबैक आ जाता है प्लस 1, ठीक है। ये बना लिया हमने हेलमेट, ये बना ली हमने नेदरराइट की चेस्ट प्लेट, ये बना ली हमने नेदरराइट की लेगिंग्स, और ये बन गए हमारे नेदरराइट के बूट्स। तो गाइस फाइनली हमारे पास आ चुका है गवर्नमेंट डेवरीज की एडवांसमेंट, और फटाफट से भाई मैं इसमें बढ़िया बढ़िया से टेम्पलेट्स लगा देता हूँ, मतलब ये लगा देता हूँ क्या कहते हैं इनको ट्रिम, इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ पे रखूँगा मैं एमेथिस्ट शार्ड, ओ भाई साहब ये पर्पल में पर्पल कुछ ज़्यादा ही पर्पल हो जाएगा है। एमेथिस्ट शार्ड लगाऊँ नहीं लगाऊँ सोच रहा हूँ, रेड स्टोन डस्ट लगाऊँ क्या लगाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं एमेथिस्ट लगाएंगे तो पर्पल हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है वो किसी और में यूज़ कर लेंगे। फिलहाल हम लोग एमेथिस्ट को रख देते हैं यार, पर्पल ज़्यादा ही हो जा रहा है, इसको रख देते हैं हम यहाँ पे। फिर क्या लगाएं यार, मतलब नेदरराइट का जो हमारे ये है ये होता है बेसिकली पर्पल और मतलब डार्क पर्पल और ब्लैक काइंड ऑफ ऐसा होता है, तो उस पर किस तरह का मतलब बढ़िया लगेगा, गोल्ड हो जाएगा ब्राइट हो जाएगा वो। एक काम करते हैं ना हम लोग एमरल लगा देते हैं, ये भी ना बात, चलो भाई एमरल लगाते हैं इसमें पूरा मस्त लगेगा। तो यहाँ रखना है हमें एमरल, यहाँ रखना है हमें ट्रिम, यहाँ रखेंगे हम आर्मर, और भाई साहब क्या ही बढ़िया आर्मर बनने वाला है, चलो तुम लोग देखो। यहाँ पर रखते हैं इसको, बूट्स निकाल लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं इसको, इसको भी निकाल लेते हैं, ये रखते हैं इसको। चलो भाई हमारा पूरा का पूरा आर्मर ट्रिम हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं इधर। ये पहनी लेगिंग्स, ये पहने बूट्स, ये पहना हेलमेट, ये पहन ली चेस्ट प्लेट, और ये देखो गाइस नया लुक पूरे ये पूरे आर्मर का, क्या ही लग रहा है भाई साहब। ये पीछे से कैसा लग रहा है, अरे भाई ये तो सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है।
भाई साहब पहली बार नेदराइट का आर्मर बनाया, वो भी इतना प्यारा नेदराइट का आर्मर, पूरी तरीके से एमरल में कवर और नेदराइट में कवर, मज़ा आ गया भाई, क्या ही दिख रहा हूँ। इसकी चमक भी मतलब यार माइनक्राफ्ट ने ना फिर नेदराइट के एन्चेंटेड आर्मर की ना चमक थोड़ी कम कर दी है, वो चीज़ थोड़ी चमक होती है ना तो भाई साहब क्या ही लगता है ये, और एमरल भी उतना चमक नहीं रहा है, पर चलो कोई बात नहीं गाइस, हमने फाइनली हमारा पूरा का पूरा नेदराइट का आर्मर बना लिया है, और आई होप आप सभी लोगों को ये आर्मर अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बता देना कि ये वाला आर्मर ट्रिम अच्छा है, या फिर ढूंढने जाएं साइलेंस आर्मर ट्रिम जो सबसे ज़्यादा रेयर आर्मर ट्रिम होता है, बट एक भी मिल जाए तो बहुत है भाई, सीरियसली बहुत है। वो फटाफट से मैं सोच रहा हूँ कि किसी ना किसी वीडियो में जल्द से जल्द उस वीडियो में हम जाएं एंशियंट सिटी के अंदर, भाई वार्डन से लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और स्पेशली उससे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, बट कोई बात नहीं गाइस तुम्हारे लिए मैं करूँगा। अगर तुम लोग इस वीडियो पे कर देते हो 100 लाइक जनवरी ख़त्म होने से पहले, मतलब 2024 में जो जनवरी आ रही है वो ख़त्म होने से पहले पहले अगर तुम लोगों ने कर दिया इस वीडियो पे 100 लाइक और एटलीस्ट 10 कमेंट्स, ठीक है 10 कमेंट्स कर दिए तो मैं जाऊंगा एंशिएंट सिटी में और लेके आऊंगा साइलेंस आर्मर ट्रिम और एक पूरा का पूरा नया आर्मर बना के उसके अंदर लगाने वाले हैं हम साइलेंस आर्मर ट्रिम, मज़ा आएगा गाइस। मैं तुम लोग का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लूँगा अगर तुम लोग इस वीडियो पे कर देते हो 100 लाइक जनवरी ख़त्म होने से पहले पहले और एटलीस्ट 10 कमेंट्स, और वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को प्लीज़ से कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना, उन लोग को बताना कि भाई साहब हमारे मतलब तुम्हारे साहिल भाई ने बना लिया है पूरा का पूरा नेदराइट का एन्चेंटेड आर्मर, वो भी नेदर का कौन सा था, ये रिब आर्मर ट्रिम था आई थिंक, सो हाँ रिब आर्मर ट्रिम की मतलब पूरी की पूरी वो बना ली, मतलब क्या कहते हैं उसे, रिब आर्मर ट्रिम को यूज़ करके पूरा नेदराइट आर्मर बनाया है एमरल्स के साथ। तो प्लीज़ से ये सब भाई अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है हमारी सर्वाइवल वीडियो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक अच्छी जा रही है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना इनफ है, तो गाइस हम लोग को फटाफट से 1000 आवर्स कंप्लीट करने हैं जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3000 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम है, और थोड़े से टाइम के अंदर हम लोग को 4000 तक का वॉच टाइम भी कंप्लीट करना होगा, तो वो भी आप लोग आई होप जल्दी से जल्दी करा दोगे, मुझे पूरा का पूरा ट्रस्ट है अपने पूरे सब्सक्राइबर्स पे, और आई होप आप लोग अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर रहे हो, और भाई थोड़ा सा हेल्प करो भाई, तुम लोग के हेल्प के ही साथ में ऊपर जा पाऊँगा। बाकी आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सर्वाइवल वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।